हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर सेकेंड डोज वैक्सीन। अभी एक दिन पहले ही जो है मैंने अपना सेकेंड डोज का वैक्सीन लिया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, कैसे मैंने रजिस्टर किया था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। अब सेकेंड डोज का वैक्सीन आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप अपना खुद का जो है स्लॉट बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने नज़दीक के वैक्सीन सेंटर में जाके जहाँ पे ऑन स्पॉट दिया जा रहा है वहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो क्या करना होगा, तो सिंपली से आपको cowin.gov.in के वेबसाइट पे आना है और जो आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो है आपका अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है और आपने देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, आपका फर्स्ट डोज जो है कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड डोज के बगल में एक शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली से जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पूछेगा कि आपको पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है सर्च करना है। आप जिसके भी आपको मर्जी हो वहाँ पे सर्च कर लो एंड आपके नज़दीक में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। रेड वाला जो है वो सारा बुक है और जो ग्रीन होगा वो सब खाली होगा। तो जो भी ग्रीन होगा आपके नज़दीक में होगा वो यहाँ से आप जो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है विदाउट स्लॉट बुकिंग के जो है मैंने सेकेंड डोज लिया था। अब मैंने क्या किया था, तो सिंपली से मैं जो है अपने नज़दीक के वैक्सीन सेंटर में गया और मैंने बोला कि भैया मैंने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया था और मुझे सेकेंड डोज अब लेना है। तो उन्होंने मुझे जो है एक टोकन दिया, ठीक है, सिंपली से वो टोकन नंबर होता है और वो टोकन नंबर मुझे लेके जाना था नेक्स्ट उनके जो स्टाफ थे। मैंने जब उनको दिया तो उन्होंने बोला कि आपने फर्स्ट डोज लगवाया था तो उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। अब सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है जब जाके आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो उसको सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो वहाँ पे एक पर्ची बनाएगा जिसमें आपका नाम होगा एंड आपका एड्रेस होगा, आपका वो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा एंड आपका जो है रेफरेंस नंबर होगा और एक कोड रहता है, ठीक है। सिर्फ बेसिकली वो एक छोटा सा पर्ची बना के आपको दे देगा और वो पर्ची लेकर जाना है नेक्स्ट स्टाफ के पास। अब वो क्या करेगा, सिस्टम पे बैठा रहता है और उसका काम है जो है वहाँ पे ऑनलाइन उस चीज़ को टिक करना, यानी कि हाँ इसका जो है वैक्सीनेशन हो गया। तो जब मैं नेक्स्ट वाले स्टाफ के पास गया तो उन्होंने उस पर्ची को लिया एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर से वहाँ पे मेरा अकाउंट को लॉगिन किया और वहाँ से उन्होंने टिक कर दिया, इनेबल कर दिया कि हाँ इसका जो है सेकेंड डोज कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने वापस से वो टोकन एंड पर्ची मुझे दिया और बोला नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। और आगे क्या करना था, जो भी नर्सेस हैं जो वैक्सीनेशन कर रही हैं यानी कि जो सुई लगा रही थी उनके पास मुझे जाना था, मैं उनके पास गया। उसके बाद जो है उन्होंने वो जो पर्ची और टोकन दोनों जो है अपने पास रिसिप्ट रख लिया और मुझे जो है वैक्सीनेट कर दिया, यानी कि सुई मुझे लग गया। उसके बाद जो मुझे बोला गया कि 5 मिनट आप जाके रेस्ट कर लो, हाथ वगैरह हिलाना मत, और मैं 5 मिनट जाकर वहाँ पर रेस्ट कर लिया। उसके बाद जो है मेरा काम ख़त्म, यानी कि मैं जो है सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड हो गया सेकेंड डोज का। तो इस तरह से जो है आप भी जो है वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने जो है सेकेंड डोज का नहीं लिया है और आपका जो है टाइम हो गया, चाहे वो कोविन हो चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, आप जाके ले लो अगर आपका टाइम हो गया है तो, ठीक है। अगर आप सेफ रहोगे तो हम भी सेफ रहेंगे, है ना। तो जाके आप सेकेंड डोज का वैक्सीन ले लो अगर आपका टाइम हो गया है। आपको बस इतना पता करना है कि आपके नज़दीक में कौन सा वैक्सीन सेंटर है और कहाँ पे ऑन स्पॉट दिया जा रहा है, उसके बाद जो है आप इजीली लगा सकते हैं। वो लोग खुद ही आपको हेल्प कर देंगे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। बाय द वे, उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो यार नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, यहाँ पे 2 वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, जो भी पसंद आए उस पर क्लिक करो एंड वॉच करो।